फाइनली Realme 3 Pro आ गया अपने पास, ब्लू नाइट्रो ब्लू कलर में मैंने खरीदा गाइस। और कैसे हो आप सब, और आज इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। फाइनली Realme 3 Pro आ गया। चलो मैंने इसको पहले अनबॉक्स कर दिया था गाइस, सॉरी, बट मेरे को चेक करना था कि कोई फ़ोन में डिफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि फ्लिपकार्ट का और फ्लिपकार्ट और पैसिक मॉल में ये कुछ सिस्टम चल रहा था कि अगर अभी कोई प्रॉब्लम होगी तो फ़ोन रिप्लेस होने का सीन रहेगा, इसीलिए। तो गाइस चलो अब इस फ़ोन को बूट कर देते हैं, सेट मैंने कर रखा है। मैं आपको मेन बातें बताऊंगा, आपको पकाऊंगा नहीं वीडियो में, तो चलो बूट कर देते हैं। एक फीडबैक इसने मुझे दिया, एस कर्व डिज़ाइन है गाइस। तब तक मैं स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं गाइस। इसमें आपको मिलता है नीचे एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट, हेडफोन जैक अलॉन्ग विद स्पीकर, बैक में आपको पॉलीकार्बोनेट डिज़ाइन, साइड फ्रेम आपको मेटल बैक मेटल साइड्स की तरह लगती है, बट है एक ये प्लास्टिक। और गाइस आपको पीछे कैमरा में मिलता है 16+5 16 मेगापिक्सल इस सोनी IMX 519 सेंसर, एंड आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर। एंड गाइस कमिंग टू द टॉप, आपको यहाँ पे मिलता है नॉइस कैंसिलेशन माइक। एंड गाइस आपको फ्रंट में यू ड्रॉप नॉच मिलती है, ठीक है गाइस। और इसकी डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट है, 25 मेगापिक्सल का कैमरा है एंड F2.0 अपर्चर के साथ। स्नैपड्रैगन 700 प्रोसेसर, 4GB 64GB वाला मॉडल है, डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट के साथ आता है। अब आप पूछेंगे कि इसके फ़ोन के अंदर क्या नहीं है, वही मैं बोलने वाला हूँ, इसमें क्या नहीं है, इसको क्या अलग बना, ये नोट 7 प्रो से क्या ऐसी चीज़ है जो इसको अलग बनाती है। तो गाइस हाँ, हमें इस फ़ोन में मिलता है सुपर वोक चार्जर, जो कि है 20 वॉट का चार्जर, सीधा गाइस 20 वॉट का चार्जर, जो कि नोट 7 प्रो के कॉम्पिटिशन में अल्टीमेटली किल कर देता है। कैमरा परफॉर्मेंस में सेल्फी कैमरा बहुत बढ़िया है इसका, और बैक कैमरा काफ़ी डिसेंट है। जी कैम इंस्टॉल करने के बाद मैंने क्वालिटी का देखा, डे नाइट डिफरेंस है। हालांकि स्टेबल कैमरा अपडेट नहीं आई है अभी, जी कैम का वर्जन नहीं आया, और कल मुझे अपडेट मिली उससे कैमरा क्वालिटी और ज़्यादा बढ़िया हो गई। तो गाइस इसमें फ़ोन के अंदर एंटर कर जाते हैं तो आप सीधा सीधा सेटअप देख सकते हो, कलर ओएस 6 पे रन करता है। एंड इसके अंदर आपको ऐप ड्रॉअर का फीचर मिल जाता है, प्लस पॉइंट इन माई ओपिनियन। एंड कमिंग टू द सेटिंग्स में चलते हैं। चलो गाइस ज़्यादा आपको मैं वर्जन दिखा दूँ एंड्रॉयड का। अबाउट फोन में गए गाइस, हमें एंड्रॉयड 9.5 स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है इसके अंदर, प्लस पॉइंट। रैम 4GB एस एंड कलर ओएस 6.0 वर्जन। कुछ कलर ओएस के स्पेशल फीचर्स मिलते हैं, लाइक फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड फेस अनलॉक। फिंगरप्रिंट स्कैनर इसका थोड़ा अलग टाइप का है, क्योंकि इसका काफ़ी फास्ट है, आप देख सकते हो। फेस अनलॉक दिखाना चाहूँगा, देख सकते हो, ये देखो, देख सकते हो फेस अनलॉक। इसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, देख रहे हो काफ़ी फास्ट है। उसके बाद आपको डबल टैप टू वेक, काफ़ी तेज खुलता है, रेस टू वेक फीचर, कुछ इस टाइप के क्विक फीचर्स मिलते हैं। LED नोटिफिकेशन का सपोर्ट नहीं है, नेगेटिव पॉइंट इन माय ओपिनियन। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ स्पेशल फीचर्स की, जैसे कि आपको देख सकते हो इसके अंदर आपको कैमरा सपोर्ट, कैमरा में मैनुअल कैमरा कैपेबिलिटी चेक कर लेते हैं। कैमरा टू API आउट ऑफ सपोर्ट, आउट ऑफ बॉक्स सपोर्ट करता है। सेकेंड चीज, इसका कैमरा शो कर देता हूँ मैं आपको, सेल्फी कैमरा 25 मेगापिक्सल। ब्राइटनेस काफ़ी हाई है, काफ़ी बेटर है पुराने जनरेशन के Realme से। ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी काफ़ी बढ़िया है, आप देख सकते हो। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है। कैमरा लेआउट काफ़ी सिंपल है, HDR क्रोमा बूस्ट मोड मिल जाता है, और आपको टाइम लैप्स पैनो, और आपको स्लो मोशन की कल वीडियो अपडेट आई थी, आपको स्लो मोशन में इसमें 960 FPS तक मिल जाता है। लेट मी शो यू दैट, FPS।
एंड आपको और क्या फीचर मिलता है, नाइटस्केप एंड एक्सपोर्ट मोड. नाइटस्केप इज सिमिलर टू वन प्लस. एक्सपोर्ट मोड में आपको क्या फीचर मिलता है, 64 मेगापिक्सल तक के शॉट्स खींचने का मौका. अब मैं आपको कैमरा सैंपल्स दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक बार चार्जर की बात दिखा दूं. चार्जर जो है वो चार्ज है 3.0 जो कि सिमिलर है हमारे वन प्लस 6 के डैश चार्जर से. आप देख सकते हो इवन लेंथ और बॉक्स की जो कैपेसिटी है वो तक सेम है, क्योंकि ये बेसिकली ऑरिजिनेट करते हैं तीनों सेम कंपनी के, ओप्पो वीवो वन प्लस एंड ओप्पो का सब ब्रांड रियलमी बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए से चाइना में, तो इसलिए काफ़ी यूज़र इंटरफेस सेम ही मिलने वाला है आपको. और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस फ़ोन में कोई एड्स नहीं मिलती एज़ कम्पेयर टू शाओमी नोट 7 प्रो और शाओमी किसी भी डिवाइस से अगर आप कंपेयर कर लो. बेजल्स आपको फ्रंट में काफ़ी कम मिलती हैं, फुल HD प्लस का डिस्प्ले मिलता है आपको. और आप कुछ कुछ सेटिंग यूज़ करके इसको ट्वीक कर सकते हो. नोटिफिकेशन LED नहीं है तो क्या हुआ, बट आपको उसमें नोटिफिकेशन का वे बड़ा अच्छा मिलता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं मिलता, लेकिन आपको और चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं. नोटिफिकेशन का स्टाइल काफ़ी अच्छा है इसके अंदर फ़ोन में. डिस्प्ले आप देख सकते हो काफ़ी ब्राइट है, और मैं को लो करनी पड़ गया ये, इस रूम में भी काफ़ी ब्राइट लग रही है अगर आप कंपेयर करो तो. अब मैं आपको कैमरा सैंपल शो करना चाहूँगा, डिटेल रिव्यू बाद में डालूंगा. अभी मैं इस फ़ोन को कुछ दिन टेस्ट करूंगा और इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस आने वाली हैं, तो स्टे ट्यून कर लो, सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल. अब मैं वीडियो सैंपल्स आपको दिखाता हूँ, वीडियो बाद में दिखाऊंगा, लेकिन अभी आपको मैं फोटो सैंपल्स दिखाता हूँ. वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए मैंने अभी रिकॉर्ड नहीं किया. वीडियो की स्टेबिलिटी जब इंप्रूव हो जाएगी उसके बाद मैं डिटेल कैमरा कंपैरिजन जब लाऊंगा उसमें जी कैम का इंक्लूड कर दूंगा. अभी मैंने जी कैम प्लस इंक्लूड नहीं किया, अभी मैं सिर्फ स्टॉक कैमरा एप्लीकेशन इंक्लूड कर रहा हूँ. तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो लाइक कर देना. अब आराम से बैठ के कैमरा सैंपल देखो.